अस्सलामुअलैकुम कहता हूँ आपको। मेरा नाम जाफ़र हुसैन है, लालू खेती पैदाइश है। तकरीबन मैं 27 साल से ये काम कर रहा हूँ और कराची का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ मैं जाता नहीं हूँ भेजने इस साइकिल के ऊपर। वालिद का इंतकाल हो गया था, जो जब जवान हुआ तो वालदा का इंतकाल हुआ। शादी के बाद तक मैं 8-9 साल तक काम करता रहा। फिर उसके बाद मुझे शुगर हो गई, शुगर का मरीज हो गया, तो फिर कारपेंटर का काम मैंने छोड़ दिया। इसलिए मेरे हाथ पैर चोट लग जाती थी, वो पक जाते थे, तो ये काम मैं करता हूँ। अल्लाह ताला का जितना शुक्र करूँ काम है। मैं लालू खेत से चलता हूँ, सुबह निकलता हूँ और बाप की मैं अपने बच्चों में शाम को पहुंच जाता हूं। तो अल्लाह ताला मेरे को बहुत मेहरबान की आवाज़ में गाना सुना रहा हूं। बड़े अरमान से रखा है बदम तेरी कसम, दफ़ा कुरंगी से आ रहा था अपनी बहन के घर से, तो सदर में मेरे उस्ताद एक बांसुरी बजाने वाले खड़े हुए थे, तो उनसे मैंने बांसुरी दी। उन्होंने मुझसे पूछा आपको बजाना आती है, मैंने बोला हाँ आती है। अब मैं घर लेके आया, वो मुझसे बजी नहीं। फिर मैं उस्ताद के पास गया, मैंने बोला ये नहीं बज रही है बांसुरी मुझसे, तो मुझे बताओ। तो फिर उन्होंने मुझे कुछ राग कुछ सरगम मुझे बताई, तो अल्लाह के करम से मैं आगे बढ़ा। वैसे तो मैं कारपेंटर था, काम करता था लालू खेत पे, स्टूल बेंचे फ्रिज चौकियाँ बनाता था, लेकिन जब से मैंने काम किया अल्लाह ताला मेरे ऊपर बड़ा मेहरबान है। लोग इज्जत की नज़र से देखते हैं, खुशी से बोलते हैं, प्यार से बुलाते हैं। एक बांसुरी पे 200 वाली पे 50 रुपये मिलते हैं, 400 वाली पे 100 रुपये मिलते हैं, बच्चों की बांसुरी पे 12 रुपये मिलते हैं और 100 रुपये वाली पे 20 रुपये मिलते हैं। किशोर कुमार के गाना बजाता हूँ, मोहम्मद रफ़ी साहब का बजाता हूँ, मैडम नूर झा का बजाता हूँ, अताउल्ला साहब का बजाता हूँ, बाकी कलाम बजा लेता हूँ अल्लाह के करम से। सबसे ज़्यादा किस में पसंदीदा मिलती है? जौन सा भी गाना बजा दो अच्छा, नए गाने भी बजाता हूँ, पुराने भी बजाता हूँ, जिससे लोगों को दिल छुए, लोग बोलते हैं ये सुनाओ, तो फिर मैं वो भी सुनाता हूँ। बड़ा डर था अभी आपकी बात में, तो वो डर क्या आपके अंदर है या वैसे ही बजा रहे थे?
ज़िंदगी में तो खैर मुझे घर से क्या अपनों से क्या सबसे तकलीफ मिली है शुरू से, और तकलीफ की वजह से ये मेरी दोस्त और मेरी ज़िंदगी है, मैं इसी से अपना गम पूरा करता हूँ। ऐसे लोग भी हैं, उनमें ज़्यादातर सवा तीन लोग हैं जो मुझे बुलाती हैं, मैं उनके घर जाता हूँ तो रहता हूँ, वो अपना महसूस करती गानों को, खुशी महसूस करती हूँ, मुझे दाद देती हैं, मुझे मोहब्बत देती हैं, पैसा देती हैं। और बहुत से लोग सत्करे दे देते हैं, बहुत से लोग बुरी नज़र, अभी आपकी आँखों में आँसू हैं, इसकी वजह बस इसकी वजह यह अल्लाह ताला परवरदिगार सबको अच्छा रखे। एक तो महंगाई का दौर है, दूसरी बात मैं जब चलता हूँ ना तो ये नहीं पता कहाँ तक जाता हूँ, मेरी टांगें भी दर्द करती हैं, मेरे गुर्दे भी दर्द करते हैं, लेकिन मैं अल्लाह को हाथ नाजिल करके चलता हूँ, मेरे साथ अल्लाह है और सारे काम अल्लाह बना रहा है मेरे। वो बेटे हैं मेरे माशाल्लाह से बहुत इज्जत करते हैं, काम करते हैं और मुझे पूछते हैं, तकलीफ पूछते मेरे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे तकलीफ मिल जाती है फिर भी। क्या करते हैं आपके बेटे? एक कारपेंटर है और एक मोटरसाइकिल का गद्दियाँ बनाता है, तो बहुत अच्छी ज़िंदगी, मकान मेरा किराए का, अल्लाह का करम है। शुक्रिया शुक्रिया।
मैं रफ़ी का गाना सुना रहा हूँ। ये दुनिया जे महफिल मेरे काम है।